एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा था और समुद्र की तेज लहर आई और लहरों में उसका चप्पल बह गया। तो उसने लिखा बालुका राशि पे कि समुद्र चोर है। एक बुजुर्ग माँ बाप शाम को टहल रहे थे और उनको सीप में मोती मिली, तो उसने लिखा बालुका राशि पे जाकर कि समुद्र दानवीर है। एक बुजुर्ग माँ थी, उनका बेटा लहरों में कहीं डूब गया, तो उसने बालुका राशि पे लिखा समुद्र हत्यारा है। अब एक मछुआरा जाल फेंकता है और मछलियाँ पकड़ कर ले जाता है और बालुका राशि पे लिखता है कि समुद्र पालनहार है। अब समुद्र की एक तेज लहर आती है और सब कुछ लिखा हुआ मिटा जाती है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, बस वो निरंतर अपने काम में लगे रहता है। इसी तरह जिंदगी से हमें सीखना चाहिए, कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए। एक शेर है कि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना जाना मुझको, और अपने अपने काम के अनुसार सबने पहचाना मुझको।